Good morning, students. Now today's topic is adjectives, which is on page number 34. आपकी book reader वाली जो book है उसके page number 34 grammar seeds में जो topic है that is adjective. So adjective आपने already आप पढ़ चुके हैं. What are adjectives? Adjectives, an adjective is a word that tell us something more about a noun. Especially जो उनकी qualities, number, color, size and shape को describe करते हैं words, उन्हें हम बोलते हैं adjective. Students, I hope आपको page मिल गया होगा. I am repeating again, it is on page number 34. Adjectives are words that tell something more about noun. Noun होते हैं any person, place, animal or thing. Noun आप लोगों को पता है. Now adjective words, especially nouns के quality, number, color, size and shape को describe करता है. Quality देखी जाए तो एक example लिखा है honest boy. Now honest word is an adjective that is describing the boy. ठीक है, ईमानदार लड़का. तो ईमानदार शब्द जो है, honest word is an adjective. This is an adjective. Next है number. If one pen, ठीक है, one marker pen. यहाँ पे numbers है. It can be two balls. Either it can be two books. Okay. So, जो भी हमारे numbering होते हैं, जो numbers होते हैं, as I told you, one pen. So, one जो है, it is an adjective. Because ये pen के बारे में और define कर रहे हैं. Next is color. अगर मैंने आपको ये pen में black color है, okay? Black pen. Or it is red pen. If I show you another pen, purple color pen. और ब्लू पेन. सो जो भी कलर्स होते हैं दे आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स. ब्लैक पेन, हियर ब्लैक वर्ड इज एन एडजेक्टिव. नाउ नेक्स्ट इज साइज. साइज में जो ऑब्जेक्ट्स की या थिंग्स की जो है साइज को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू बिग एलिफेंट, बिग एलिफेंट. आपने ऑलिफेंट पोएम पढ़ा था एंड उसमें वो अपने आप को बिग बताता है, राइट? सो बिग जो है एलिफेंट के साइज को डिस्क्राइब करता है, तो बिग वर्ड इज एन एडजेक्टिव. एंड द लास्ट वन इज शेप. शेप उसका जो कैसे कहूँ, इफ आई से अ राउंड बॉल, राउंड जो है, और अ ब्रॉड बोर्ड जो उसके शेप को डिस्क्राइब करते हैं, या स्क्वायर शेप बोर्ड, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप बोर्ड, जैसे रेक्टेंगुलर शेप का बोर्ड है. तो ये वर्ड्स जो हैं आर एडजेक्टिव्स. राउंड, राउंड बॉल, राउंड वर्ड इज एन एडजेक्टिव. सो आई होप इट इज क्लियर कि एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन वर्ड का क्वालिटी, नंबर, कलर, साइज एंड शेप डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक. नाउ एडजेक्टिव सेंटेंसेस में जो हमने क्वालिटी, नंबर, साइज, कलर, शेप पढ़े हैं, उसके अलावा भी एडजेक्टिव जो है किसी भी सेंटेंस में किसी पर्सन के लुक्स, टेस्ट, फील, हाउ द थिंग्स फील, स्मेल एंड साउंड को भी डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अ ब्यूटिफुल गर्ल, सो ब्यूटिफुल होना उस गर्ल के लुक्स को जस्टिफाई करता है. ओके, सो ब्यूटिफुल वर्ड इज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज टेस्ट. किसी भी चीज़ का जो टेस्ट डिस्क्राइब करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, सॉल्टी और स्पाइसी होते हैं वो, या स्वीट हो सकते हैं. सॉल्टी चिप्स, इफ आई से आई हैव ईटन सॉल्टी चिप्स, मैंने सॉल्टी चिप्स खाए,
ओके सो सॉल्टी वर्ड जो है चिप्स के टेस्ट को डिस्क्राइब करता है. सो सॉल्टी वर्ड इज एन एडजेक्टिव. ओके बिकॉज यहाँ ये सॉल्टी वर्ड चिप्स के टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट इज सॉफ्ट कॉटन. कॉटन यानी रुई जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है इफ यू टच इट. सो सॉफ्ट जो है फील करना है. सॉफ्ट कॉटन के फील बताते हैं कि वो टच करने में कैसा है. ठीक है अगर हम इस बॉटल को टच करते हैं इट इज़ मेटालिक. ठीक है ये मेटल के फॉर्म में. इट इज़ हार्ड. सो हार्ड होना इसका फील है राइट. सो सॉफ्ट वर्ड कॉटन को डिस्क्राइब कर रहा है. सो इट इज़ एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज स्मेल. किसी का स्मेल जैसे फ्रेश फ्रेग्रेंस लिखा है. अगर हम परफ्यूम यूज करते हैं इट हैज़ अ फ्रेश फ्रेग्रेंस यानी स्मेल. फ्रेग्रेंस का मतलब होता है स्मेल. फ्रेश स्मेल जो है या रॉटन कहते हैं ना जब हम कहते हैं कोई चीज़ सड़ जाती है. सो वी से देर इज़ अ रॉटन स्मेल. सो रॉटन वर्ड जो है अगेन इट इज़ एन एडजेक्टिव. ओके साउंड यहाँ पे लाउड नॉइज. लाउड वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव विच इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट द नॉइज. अगर आपको वीडियो आप ध्यान से सुने एक बर्ड की आवाज़ आ रही है राइट. एक बर्ड की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है एंड इट इज़ प्रिटी लाउड. वो बहुत तेज़ी से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वीडियो में. सो लाउड नॉइज जो है यहाँ पे लाउड वर्ड नॉइज को डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो इट इज़ अगेन एन एडजेक्टिव. आई होप इट इज़ क्लियर. आप समझ पाए होंगे एडजेक्टिव्स लुक्स टेस्ट और थिंग्स की जो फील होती है यानी हाउ जब आप टच करते हैं तो वो कैसा लगता है. स्मेल एंड साउंड को भी डिस्क्राइब करते हैं.